हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 10 प्लस 2 क्लास की यूनिट पॉलीमर्स। देखिए बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में 3 मार्क्स की है और बहुत ही आसान यूनिट है। यूं कहिए सबसे आसान ये यूनिट है। अब जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं या पेपर की किसी की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि उसकी वेटेज क्या है। अब ये यूनिट है तो सबसे आसान, लेकिन इसको बहुत सारे स्टूडेंट्स छोड़ के चलते हैं। ये मानते हैं तो आसान है, इसको करने की क्या ज़रूरत है। जबकि आप इस बात को सोच के देखिए कि जहां सॉलिड स्टेट सॉल्यूशंस, जहां आप इन यूनिट्स की तैयारी करते हैं जो 4 मार्क्स की और ये 3 मार्क्स की है, उनकी तैयारी आपकी जाके 5-6 घंटे में, या पहली बार कर रहे हो तो 2-2 दिन आपको लग सकते हैं। और ये पहली बार करोगे तो 1-1.5 घंटे की यूनिट है, और दूसरी बार करोगे, रिवाइज करोगे, तो ये जस्ट 15 मिनट्स की यूनिट है। तो इसका हमने ख्याल रखना है, इसकी अच्छी तैयारी करनी है। कंपटीशन में भी, बोर्ड में भी बहुत ही आसान इसके क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि खुद भी ये आसान ही है। तो इस यूनिट को शुरू कर रहे हैं हम पॉलीमर्स। पॉलीमर्स, जैसा इसके नाम से हमें आभास हो रहा है, इसका ये पॉलीमर्स जो है ये ग्रीक वर्ड है और 2 छोटे वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पॉली मीन्स होता है मैनी, यानी कि बहुत सारे, और मर्स मीन्स होता है यूनिट। जब बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स मिलकर एक बड़ी यूनिट बनाते हैं, उसको कहते हैं पॉलीमर्स। यानी कि जो बहुत छोटी यूनिट्स हैं उसका नाम क्या है, मोनोमर यूनिट्स। जो स्मॉलेस्ट यूनिट हैं, इसकी स्मॉलर यूनिट हैं, उनका नाम है मोनोमर्स। तो छोटी छोटी यूनिट मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाती हैं, एक मैक्रो मॉलिक्यूल बनाती हैं, उसी को कहा जाता है पॉलीमर्स। तो वो जो स्मॉल यूनिट है जिसके बार बार यूनिट, वो जो स्मॉल यूनिट है जिसके बार बार रिपीट होने से, बार बार मिलने से ये बनता है, उस स्मॉल यूनिट का नाम होता है मोनोमर। द स्मॉलर यूनिट्स बाई हूज रिपीटिशन ए पॉलीमर इज फॉर्म्ड, उसको कहेंगे मोनोमर। और इन मोनोमर्स के बार बार रिपीट होने के कारण जो बनता है उसको कहते हैं पॉलीमर। डिफाइन कैसे करेंगे, द मैक्रो मॉलिक्यूल, जो बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है, द मैक्रो मॉलिक्यूल विच इज फॉर्म्ड बाय रेगुलर रिपीटेशन ऑफ मोनोमर यूनिट्स, जो इसके बार बार मिलने से बनता है। जैसे अगर हम पॉलीथीन की बात करें, बहुत ही सिंपल सा पॉलीमर है, तो इसका मोनोमर होता है इथीन। इथीन क्या है, वो सिंगल यूनिट है, और जब ये बार बार रिपीट होगा, बार बार जुड़ेगा, तो इससे फिर क्या बन जाएगा, इसका पॉलीमर बनेगा पॉलीथीन। यहां पर आपको ये बात याद रखनी है कि पॉलीमर्स में कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, यानी कि जो मोनोमर यूनिट है, ये मोनोमर यूनिट कैसे जुड़ती हैं, दे आर एसोसिएटेड बाई कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड से ये जुड़ेंगे। अब इसकी पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन, कि ये पॉलीमर्स की क्लासिफिकेशन, ज़्यादा बड़ी यूनिट नहीं है, छोटी यूनिट है, कि पॉलीमर्स को कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन तो 4 बेसिस के ऊपर यहाँ हमने क्लासिफाई इनको किया हुआ है, जैसे कि सोर्स के बेस के ऊपर, स्ट्रक्चर के बेस पर, और मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेस पर, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेज के बेस पर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स का मतलब है जहाँ से ये लिए गए हैं, जिससे पॉलीमर को हमने डिराइव किया है, उसके बेस पर ये कितने टाइप के हैं। अच्छा, इस मैक्रो मॉलिक्यूल का आपको एक याद और रखनी है एक बात इसमें, कि जब मोनोमर यूनिट बार बार मिल रही हैं और उससे बड़ा मॉलिक्यूल बनता है जिसको हम बोल रहे हैं मैक्रो मॉलिक्यूल, तो मैक्रो मॉलिक्यूल बन गया पॉलीमर। लेकिन हर एक मैक्रो मॉलिक्यूल पॉलीमर ही हो ये ज़रूरी नहीं है। जैसे कि बड़े मॉलिक्यूल तो और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे आपको कोई हीमोग्लोबिन कह दे, तो हीमोग्लोबिन क्या है,
C55H72O5N4Mg, ये हीमोग्लोबिन का फार्मूला है। तो काफ़ी बड़ा मॉलिक्यूल है, लेकिन क्या ये पॉलीमर है? ये पॉलीमर नहीं है। यानी कि पॉलीमर्स तो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन सभी मैक्रोमोलिक्यूल्स पॉलीमर्स नहीं होते हैं, ये जरूरी नहीं है। अच्छा, क्लासिफिकेशन पहला किसके बेस के ऊपर है? अपना सोर्स के बेस पे है। तो सोर्स के बेस पर ये तीन टाइप के हो सकते हैं पॉलीमर्स। एक तो होते हैं नेचुरल, नेचुरल मीन्स दे आर डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंसेस, वो नेचुरल हैं, जैसे प्रोटीन्स हैं, अमीनो एसिड्स बार बार मिलते हैं तो प्रोटीन्स बन गए, ये नेचुरल हैं। फैट्स हैं, जब लिपिड्स बार बार मिलेंगे तो ये बन गए, तो ये कैसे पॉलीमर, ये नेचुरल हैं। दूसरे हैं सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक का मतलब है कि लिए हुए तो ये नेचर से हैं, लेकिन उनमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर रखा है, थोड़ा बहुत उनमें चेंज कर रखा है, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स ने कुछ रोल इसमें अपना अदा किया है। यानी कि दे आर बेसिकली नेचुरल पॉलीमर्स बट आफ्टर सम मॉडिफिकेशंस, जैसे सेलुलोज एसीटेट है। ये सेलुलोज एसीटेट क्या है? रेयॉन जैसे, ये फाइबर होता है एक रेयॉन। या फिर सेलुलोज नाइट्रेट है, ये कैसे हैं? ये सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं। और थर्ड टाइप इसकी है सिंथेटिक। सिंथेटिक मींस दे आर मैन मेड और आर्टिफिशियल, तो ये फैक्ट्री में मनुष्य द्वारा निर्मित हैं, मैन मेड है सिंथेटिक, जैसे यानी कि दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम केमिकल्स, जैसे नाइलोन के जितने भी नाइलोन है ना, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं नाइलोन 6, नाइलोन 6-6, नाइलोन 6-10, या फिर जैसे जो रबर होती हैं ब्यूना एन, ब्यूना एस, ये सारे क्या हैं? सिंथेटिक हैं। तो कोई खास विशेष बात नहीं, आप इसको कर सकते हैं। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है, ये क्या पहला किसके बेस पे था? सोर्स के बेस के ऊपर। दूसरा क्लासिफिकेशन है स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर, और स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर इनको फिर से तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला है लीनियर, लीनियर मीन्स वो लाइन के अलोंग जचे हुए हैं, लेयर्स बना लेते हैं। दूसरा है ब्रांच्ड, जब ब्रांचिंग हो जाती है। और तीसरा है क्रॉस लिंक्ड, यानी कि जब वो आपस में उलझ जाते हैं, थ्री डायमेंशनल शेप उनकी बन जाती है। तो दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पॉलीमर्स को कैसे क्लासिफाई करोगे, स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर। तो इसके भी तीन टाइप हैं। फर्स्ट कौन सा है? लीनियर। सेकंड कौन सा है? ब्रांच्ड। और थर्ड कौन सा है? क्रॉस लिंक्ड। लीनियर में क्या होगा? अलोंग ए लाइन, यानी कि लेयर्स बनेंगी ऐसे, इस तरह से लेयर्स बन जाएंगी, ये जैसे लीनियर। अब ये लेयर्स ऐसे बनती हैं कि ये एक दूसरे के ऊपर जचती जाती हैं, दे स्टैक ओवर वन अनदर। तो जब ये ऐसे जचती जाएंगी तो इनमें बॉन्डिंग हो जाएगी मजबूत। जैसे कि इसका एग्जांपल है HDPE, यानी कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ये इसका एग्जांपल है। या PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ब्रांच्ड क्या है? ब्रांचिंग वाले में क्या होगा कि ये जो ऐसे लेयर्स थी, इनमें क्या होगा, कहीं कहीं ब्रांचिंग हो जाती है, इस तरह जैसे ये ब्रांचिंग होगी, तो इसको हम कहेंगे ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स। और क्रॉस लिंक्ड में क्या होगा, उसमें क्या होता है, क्रॉस लिंकिंग हो जाती है। तो इस तरह से ये दूसरा क्लासिफिकेशन है, लीनियर, ब्रांच्ड एंड क्रॉस लिंक्ड। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेस के ऊपर ये कितने हैं, इसको अभी साफ कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि
मोड के बेस के ऊपर कौन से हैं। तो पहला किसके बेस पे था, सोर्स के बेस पे, फिर कौन सा है, स्ट्रक्चर के बेस पे। ये हाई डेंसिटी, जैसे लो डेंसिटी वाला पॉलीथीन क्या आ जाएगा, वो इसके अंदर आ जाएगा, लो डेंसिटी पॉलीथीन। और क्रॉस लिंकिंग में, तो आपके जब क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी तो जैसे बेकेलाइट, मेलेमाइन, ये चीज़ें जो हैं जिनमें क्रॉस लिंकिंग हो जाती है वो है। तो दो टाइप हो गए क्लासिफिकेशन के। अब थर्ड अपना है मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो वो जो मोड है पॉलीमराइजेशन का, वो दो टाइप का है, एक तो एडिशन और दूसरा कंडेंसेशन। अब ये एडिशन और कंडेंसेशन इस चैप्टर में बहुत देर तक चलने वाले हैं, देखते हैं ये क्या होता है। तो थर्ड क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। और इस मोड के बेस के ऊपर ये हैं टू टाइप्स के, फर्स्ट है एडिशन पॉलीमराइजेशन और सेकंड है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ये बार बार रिपीट भी होंगे इस चैप्टर में, बहुत बार होते हैं। तो देखते हैं क्या होते हैं ये। जो एडिशन पॉलीमराइजेशन है, इससे जो पॉलीमर्स बनेंगे उनको हम कहेंगे एडिशन पॉलीमर्स, या फिर इसी का एक और नाम होता है चेन ग्रोथ पॉलीमर्स। पहले इसी को देख लेते हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या है। एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या है, दो मोनोमर यूनिट्स हैं, वो मोनोमर यूनिट्स आपस में ज्वाइन होती हैं। किसी भी एटम या मॉलिक्यूल का ना तो रिमूवल होता है और ना कोई नई चीज अंदर ली जाती है, यानी कि सारा खेल बॉन्ड्स का है, बॉन्ड्स टूटते हैं और फिर मोनोमर यूनिट्स आपस में जुड़ती चली जाती हैं। सवाल ये उठता है, क्या ये मोनोमर यूनिट एक जैसी ही होती है हमेशा? ऐसा नहीं है, मोनोमर यूनिट्स एक जैसी भी हो सकती हैं या फिर वो अलग अलग टाइप की भी हो सकती हैं। दोनों के एग्जाम्पल हम देख लेते हैं यहाँ। यानी कि एडिशन में क्या होगा, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें डबल बॉन्ड्स हैं या ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, यानी कि जिनमें अनसेचुरेशन है, उन कंपाउंड्स में, उन यूनिट्स का आपस में एडिशन होता है, यानी कि डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। द कंपाउंड्स विच पोजेस डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, उनमें एडिशन होता है। कैसे होता है, जैसे एग्जांपल देखते हैं पॉलीथीन का। तो इथीन क्या है अपने पास, इथीन एक मोनोमर यूनिट है और इथीन का फार्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CH2। मान लिया इसका पॉलीमराइजेशन हमने करना है, तो डबल बॉन्ड है, पॉलीमराइजेशन करेंगे तो क्या करेंगे, इसको आगे मैकेनिज्म भी आएगा फ्री रेडिकल वाला, उसमें कैसे होता है। फिलहाल यहां क्या याद रखना आपने, ये बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि कोई भी जो एक बॉन्ड है, इसको समझ लीजिए आप, कोई भी जो एक बॉन्ड है वो दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। तो ये जो एक बॉन्ड है, या ये एक मान लो कोई भी इनमें से, तो ये बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है। तो ये यहाँ से टूट जाता है, अपना इलेक्ट्रॉन ये कार्बन ले लेता है, इस अपने इलेक्ट्रॉन को ये कार्बन ले लेता है। तो टूट के ये क्या होगा, ये होगा ऐसे, अब इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया और इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या है, कि ये अकेला नहीं है, ऐसी ऐसी बहुत सारी मोनोमर यूनिट्स हैं, यानी कि ये कितनी है, ये एन टाइम्स हैं, ये बहुत सारी यूनिट हैं। तो ये तो हमने एक की बात की, ऐसे दूसरी यूनिट होगी, ये यहां पर दूसरी यूनिट है, तो इसका भी क्या हुआ, ऐसे ही बॉन्ड टूट गया, तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, ऐसे ही आगे तीसरी यूनिट होगी, ये बॉन्ड टूट गया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। आप भली भांति जानते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है,
तो ये एक बॉन्ड यहाँ बन गया, ये यहाँ बन गया। अब ये किसी दूसरे के साथ इस तरफ बना लेगा बॉन्ड, और ये इस तरफ बना लेगा कहीं भी। अब इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे कि भाई CH2 और CH2, इसका एक बॉन्ड टूट गया, ये इस साइड से जुड़ गया दूसरे से, ये इस साइड से जुड़ गया, और ये यूनिट बार बार रिपीट हो रही है। देखो ये रिपीट हो रही है, ये मोनोमर यूनिट। इसको हम यहाँ लिख देते हैं एन टाइम्स की, एन टाइम्स रिपीट होती है। तो ये क्या था, ये मोनोमर यूनिट थी इथीन, ये पॉलीमराइजेशन हो गया। क्या होगा ये है पॉलीथीन। अब आपने याद रखना है ये जो एडिशन पॉलीमर्स आप जितने भी पढ़ते हैं, बहुत सारे हम पढ़ेंगे, अब इसके बाद पूरी एक टेबल सी बनाएंगे एक बार इनके क्लासिफिकेशन ख़त्म हो जाते हैं। तो एडिशन पॉलीमर्स में तो आपने ये धर्म वाक्य याद रखना है कि बॉन्ड को तोड़ दो और दोनों साइड से जोड़ दो। अब एडिशन में आपने ये याद रखना लास्ट तक कि बॉन्ड को तोड़ दो, दोनों साइड से जोड़ दो। अब देखो इसी बात को यानी कि सिंपली एक शब्द में मैं कैसे कहूँगा, भाई इथीन का हमने पॉलीमराइजेशन करना था, तो ये था इथीन, इसका पॉलीमराइजेशन करना है, तो क्या करना है, बॉन्ड को तोड़ दो, दोनों साइड से जोड़ दो। एक बॉन्ड को, एक बॉन्ड तोड़ दिया हमने, दोनों साइड से इसको जोड़ दिया, एंड एन टाइम्स कर दो, ये पॉलीमराइजेशन होगा इथीन का। इसमें क्या है, मोनोमर यूनिट सेम टाइप की है, लेकिन एडिशन में मोनोमर यूनिट्स अलग टाइप की भी हो सकती हैं। जैसे कि अगर हमसे कहा जाए ब्यूना एस, तो ब्यूना एस में क्या होगा, एक तो ब्यूटाडाइन है 1,3-ब्यूटाडाइन, और दूसरा है स्टाइरीन। देखो बच्चों याद रखना आपने ऑर्गेनिक की एक बात, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, अल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन घटा दें, हटा दें, तो अल्काइल ग्रुप बचता है, और इसमें से भी अगर एक हाइड्रोजन हम घटा दें तो अल्काइलीन ग्रुप बचता है, इसमें से फिर बचेगा अल्काइलीन। जैसे कि कोई आपसे पूछे भाई मीथेन का फार्मूला, तो आप क्या बताते हो, मीथेन का फार्मूला है CH4, अगर इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दें हम तो क्या बचेगा, CH3 क्या होगा, अब अल्काइल ग्रुप। अब अल्काइल में से भी एक और घटा दो तो क्या बच गया, CH2 अल्काइलीन यानी कि मिथाइलीन, तो ये मीथेन है, ये मिथाइल है, ये मिथाइलीन है। इसी तरह इथेन का फार्मूला क्या है, C2H6, इसमें से एक हाइड्रोजन घटाओ C2H5, क्या होगा, ये इथाइल, एक और घटाओ C2H4 इथाइलीन, तो इथीन का दूसरा नाम इथाइलीन भी है। वापिस आते हैं यहाँ, ये जो इथीन था ये बड़ा काम का है आपके इस चैप्टर में, क्योंकि एडिशन पॉलीमर्स तो इसी में से निकले हुए हैं बहुत सारे। देखो ये क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन है, इसका एक हाइड्रोजन आप हटा दो यहाँ से, तो ये जो ग्रुप बचता है ना इसको कहते हैं विनाइल ग्रुप। अब विनाइल ग्रुप से अगर बेंजीन रिंग लगा दो, बेंजीन रिंग, या इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, C6H5, एक ही बात है, तो इसी को कहते हैं स्टाइरीन। विनाइल ग्रुप पे बेंजीन रिंग लगा दो, इसको क्या कहेंगे, स्टाइरीन। हम क्या पढ़ रहे हैं, टॉपिक से अलग नहीं गए, एडिशन में क्या है, मोनोमर यूनिट है, जैसे इथीन एक जैसी जुड़ी सारी, ये मोनोमर यूनिट्स एक से ज्यादा टाइप की भी हो सकती हैं, हम ये बात कर रहे हैं। जैसे ब्यूना एस, तो ब्यूना एस में क्या होगा, दो टाइप की मोनोमर यूनिट है, एक तो है ब्यूटाडाइन, और ब्यूट, देखो ब्यूट का मतलब चार कार्बन है, डाई का मतलब दो डबल बॉन्ड है, कहां है पहले लिख देता हूं, 1,3 ब्यूटाडाइन, प्लस दूसरी यूनिट है स्टाइरीन। ब्यूटाडाइन क्या है, चार कार्बन है, ये लो भाई चार कार्बन,
डाईन दो डबल बॉन्ड है। अब देखो एडिशन में क्या था अपना धर्म वाक्य, पंचलाइन क्या थी, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को तोड़ दो, दोनों साइड से जोड़ दो। तो दोनों साइड से जोड़ने के लिए हमारी ये मजबूरी भी है कि हम डबल बॉन्ड यहां लें और यहां लें, फिर इसको यहां से तोड़ेंगे एक बॉन्ड को, एक बॉन्ड को यहां से तोड़ेंगे, बीच में नहीं लेना। तो ये ब्यूटाडाइन है, 1 3 हो गया, ये 1 के ऊपर है डबल बॉन्ड, 1 2 3 ये 3 के ऊपर है। हाइड्रोजन लगा लो, दो बॉन्ड हैं इसके, कार्बन की वैलेंसी 4 है, 4 पूरी कर लो, 3 बॉन्ड हैं, एक हाइड्रोजन लगेगा, इसके भी 3 हैं, एक हाइड्रोजन लगेगा, इसके 2, ये है 1 3 ब्यूटाडाइन। प्लस स्टायरीन क्या है, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH। अब देखो जो बेंजीन रिंग है इसको मैं यहां भी लिख सकता हूं ऐसे, या C6H5, लेकिन ये मत लिखना, इससे आपको कंफ्यूजन होगा, क्योंकि हमने क्या करना है, यहां भी बॉन्ड को तोड़ना है, दोनों साइड से जोड़ना है। तो इसको नीचे सरका लो, आप इस तरफ ले आओ, यहां ले आओ C6H5, ये 2 टाइप की मोनोमर यूनिट होगी। अब इनको हम जोड़ सकते हैं और इनको जोड़ेंगे तो पॉलीमर हमें बन जाएंगे। अब जोड़ते हुए फिर ध्यान रखना है, गौर फरमाइएगा, इस बॉन्ड को तोड़ दो यहां से तो ये क्या बनेगा, CH। देखो एडिशन इसलिए कहा है, नई चीज कोई नहीं जुड़ी है, मतलब केवल बॉन्ड टूटा है, नया एटम कोई नहीं जुड़ा, ना कोई गया है, फार्मूला CH2 CH2 ये ऐसा ही चल रहा है, इसीलिए एडिशन नाम है इसका, क्योंकि फार्मूला चेंज नहीं हो रहा है, किसी भी मॉलिक्यूल का लॉस या एडिशन नहीं है, केवल बॉन्ड का खेल है सारा। तो इसमें क्या हुआ, देखो CH2 ये बॉन्ड आपने तोड़ दिया, यानी कि आप यहां से इसको जोड़ चुके हो। इसके बाद CH, फिर CH, ये दूसरा बॉन्ड भी आपने तोड़ दिया, तो ये क्या है CH2, ये बॉन्ड तोड़ के एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया था, और अब इसके साथ जोड़ना, तो इसका बॉन्ड भी तोड़ दिया ये, तो यहां इसको मैं जोड़ रहा हूं, ये हो गया CH2, ये बॉन्ड टूट चुका है CH, ये नीचे है C6H5, ये यहां से जुड़ गया, ये यूनिट n टाइम्स आएगी, अब ऐसे ये जुड़ते चले जाएंगे। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात गौर करना आप, यहां पे ऊपर वाले थीन में हमने क्या किया था, एक बॉन्ड को तोड़ दिया, दोनों साइड से जोड़ दिया। अब यहां क्या किया हमने, इस बॉन्ड को तोड़ा, इस साइड से जोड़ दिया, इसको भी तोड़ दिया, इससे जोड़ दिया उस साइड से, यानी कि वही हमने दोनों साइड से ही जोड़ा है, लेकिन इस चक्कर में बॉन्ड 2 तोड़ दिए हमने, जबकि ऊपर हम क्या कर रहे थे कि 2 तरफ से जोड़ने के लिए एक बॉन्ड तोड़ना पड़ता है। इसका मतलब एक बॉन्ड का खेल यहाँ पे बचा हुआ है अभी, इसको ऐसे कैसे नहीं कि दोनों साइड से जोड़ दो, लेकिन यहाँ 2 बॉन्ड तोड़ चुके तुम, तो क्या होगा, देखो ये जो एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से था, तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन लिया, जुड़ने का काम आ गया। अब इस कार्बन का अपना इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ है, इसमें क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड था, इसने अपना एक लिया, जुड़ने के काम आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसने अपना ले लिया, तो अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, तो अब बॉन्ड आ जाएगा यहाँ इसके बीच में, यानी कि यहाँ एक डबल बॉन्ड आएगा। जब आप ये फार्मूला लिखें तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जब आप 2 बॉन्ड तोड़ रहे तो बीच में एक बॉन्ड आ जाएगा। तो ये पहली टाइप थी एडिशन पॉलीमराइजेशन, यानी कि एडिशन कैसे करोगे आप। अब दूसरी टाइप है, समझ में आ गया होगा, मोनोमर यूनिट सेम टाइप की भी हो सकती हैं, एडिशन में डिफरेंट टाइप की भी हो सकती हैं, जैसे ब्यूनास में डिफरेंट हैं और पॉलीथीन वाले में सेम हैं। अब हम पढ़ते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ये क्या है, पॉलीमर्स की क्लासिफिकेशन है, किसके बेसिस पे, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेस के ऊपर। पहला क्या था, एडिशन पॉलीमराइजेशन, दूसरा क्या है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होगा, जब मोनोमर यूनिट्स आपस में जुड़ेंगी तो लॉस ऑफ सिंपल एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स होता है, यानी कि छोटे और स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं उनका लॉस होता है, वो अंदर से चले जाते हैं। कैसे सिंपल और स्मॉल हैं, जैसे कि H2O होगा, एल्कोहल होगी, NH3 होगा, उनका लॉस होता है, यानी कि इसमें आपने ख्याल रखना है लॉस ऑफ
small molecules like H2O, NH3, alcohol, etc. पूरी डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं मैं, पूरी आप अपने आप लिख सकते हैं, बहुत सिंपल है. यानी कि व्हेन मोनोमर यूनिट्स एड विद ईच अदर देन लॉस ऑफ स्मॉल और सिंपल मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस लाइक वाटर, एल्कोहल, NH3 एटसेट्रा. इसका एग्जांपल है, वैसे बहुत सारे हैं, पर यहां जो हम देख रहे हैं वो है नाइलॉन. और ये बहुत बार आता है इस यूनिट में, जब आप पढ़ेंगे NCERT में से ये यूनिट, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा आप NCERT में से, वैसे तो केमिस्ट्री की सारी यूनिट्स ही NCERT में से आपने ज़रूर करनी है, क्योंकि डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ NCERT बुक्स, ये याद रखना आपने तैयारी करते हुए. तो इसको तो ज़रूर करना है, क्योंकि ये जो ऐसी यूनिट हैं जैसे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, बायोमोलिक्यूल्स हैं, पॉलीमर्स हैं, जो आसान सी यूनिट हैं, तो ये तो आपने इसमें से करनी है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये 15-20 मिनट का रिवीजन आपको काफ़ी मार्क्स दे के जा सकता है. तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या होगा, स्मॉल मॉलिक्यूल्स का लॉस होता है. जैसे एग्जांपल है नाइलॉन 6-6. ये 6-6 क्यों कहा है, क्योंकि जो दो मोनोमर यूनिट हैं इसमें, उन दोनों में कार्बन एटम्स की संख्या, कार्बन एटम्स का नंबर 6 है. कौन कौन सी यूनिट हैं, दो यूनिट इसके अंदर हैं, यानी कि टू टाइप्स की मोनोमर यूनिट हैं इसमें. पहली है हेक्सामिथाइलीन डाइअमीन, इसके तो नाम से ही सब कुछ पता लग रहा है हमें. और दूसरी यूनिट है एडिपिक एसिड. हेक्सामिथाइलीन डाइअमीन एंड एडिपिक एसिड. अभी आपको मैंने बताया है मीथेन का फार्मूला क्या है, CH4, अल्केन का फार्मूला CH4. एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो ग्रुप बचता है एल्काइल, यानी कि CH3 यानी कि मिथाइल. एक और हाइड्रोजन हटा दो तो अल्काइलीन, यानी कि CH2 क्या हो गया, मिथाइलीन. कितने बता रहा है, हेक्सा यानी कि 6 हैं ये, तो मिथाइलीन क्या है, CH2 कितने हैं, 6. डाई का मतलब 2, अमीन का मतलब NH2, तो 2 NH2 हैं, एक यहाँ इस तरफ और एक इस तरफ, ये है हेक्सामिथाइलीन डाइअमीन. एडिपिक एसिड में याद रखना है COOH ग्रुप होते हैं दो, क्योंकि दोनों को जुड़ना है दोनों साइड से, तो दो हैं COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. अब 6 कार्बन आपने करने हैं, बचे हुए आप CH2 से पूरे कर दो, यानी कि एक तरफ COOH, दूसरी तरफ भी COOH, और हमने कार्बन कितने करने हैं, 6, तो एक और एक दो कार्बन आ चुके हैं, 4 ये कर दो, अब कितने हो गए, 6 हो गई है. ये फार्मूला किसका है, एडिपिक एसिड का है. CH2 4 टाइम्स है, दोनों तरफ क्या है, COOH. अब ये दोनों मोनोमर यूनिट्स, ये और ये जुड़ेंगी, ये दोनों मोनोमर यूनिट्स आपस में जुड़ेंगी, और उससे फिर क्या होता है, पॉलीमराइजेशन होता है, यानी कि अपॉन पॉलीमराइजेशन. पॉलीमराइजेशन करते हैं तो क्या होगा, NH2COH, यहां से H2O मॉलिक्यूल का लॉस हो जाएगा, H2O चला जाएगा, और H2O इन दोनों में से निकालोगे तो क्या बचेगा, CONH. OH चला गया H2O, तो यहां बच गया CO, ये क्या बच गया, NH. ये जो CONH है, इस बॉन्ड का नाम होता है अमाइड बॉन्ड. CONH बॉन्ड का नाम क्या है, अमाइड बॉन्ड. अब क्योंकि ये बार बार आएगा, रिपीट होगा, इसीलिए कहा जाता है कि नाइलॉन क्या है, नाइलॉन एक पॉली अमाइड फाइबर है, क्योंकि अमाइड बॉन्ड इसमें बार बार आ रहा है. अब इसको देखो, COH में से क्या बचेगा, CO, NH2 में से क्या बचेगा, NH, तो CONH. अब पॉलीमराइजेशन, अब वहां जगह नहीं, मैं यहां लिख रहा हूं आगे रिएक्शन को, तो यहां से क्या बचना है आपका, NH, NH2 में से NH बचता है, फिर क्या है, CH2, एज इट इज लिख रहा हूं 6 टाइम्स, यहां क्या है, NHCO,
यानी कि CONH। ये क्या है, इसके आगे CH2 फोर टाइम्स, यहाँ से क्या बचता है CO, इसको आगे जोड़ दो, यानी कि ये CO किसी NH के साथ जुड़ जाएगा, ये NH किसी CO के साथ जुड़ लेगा इधर, और ये यूनिट सेम रहेगी बीच की, ये क्या होगी N टाइम्स। तो ये है नाइलॉन की पॉलीमराइजेशन, कौन से नाइलॉन की, नाइलॉन 6,6, ये अमाइड बॉन्ड है यहाँ पे। तो ये NH और लास्ट में क्या है CO, बीच का ये एज इट इज रहेगा। तो ये टू टाइप्स के हमने क्लासिफिकेशन पढ़े मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेस के ऊपर, एडिशन और दूसरा कौन सा है कंडेंसेशन। अब जो इसकी लास्ट क्लासिफिकेशन है वो है फोर्सेज के बेस के ऊपर, कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेज कितने टाइप के अंदर हैं, उनके बेस के ऊपर कितने टाइप के हैं ये। तो पॉलीमर्स के अंदर जब इंटरमोलिकुलर फोर्स की हम बात करेंगे तो उसके बेस के ऊपर ये फोर टाइप्स के होते हैं। इलास्टोमर्स, जिनमें सबसे कमज़ोर फोर्सेज हैं, फाइबर्स जिनमें स्ट्रोंग हैं, थर्मोप्लास्टिक यानी कि जिनको आप मन चाह रूप दे सकते हो बार बार मेल्ट करके, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जिनको गर्म करके आप डिजायर्ड शेप एक बार दे सकते हो बार बार नहीं दे सकते। तो लास्ट क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। नेक्स्ट एंड लास्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेज के बेस के ऊपर पॉलीमर्स को चार तरह से क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है इलास्टोमर्स, इलास्टोमर्स कौन से हैं, ये ऐसे पॉलीमर्स हैं जिनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेज बहुत कमजोर होते हैं, वीकेस्ट होते हैं, वीकेस्ट फोर्सेज, और ये रबर लाइक पॉलीमर्स होते हैं। इसके एग्जांपल वन मार्क वाले में बहुत बार पूछ लेते हैं, तो जब रबर लाइक हैं तो याद रखना आप रबर का एग्जांपल याद रखो, जैसे फॉर एग्जांपल नियोप्रीन, नियोप्रीन एक इलास्टोमर है। इसके अलावा ब्यूना एन, ब्यूना एस, ये भी इलास्टोमर्स के एग्जांपल हैं। दूसरा जिनमें स्ट्रोंग होते हैं फोर्सेस वो है फाइबर्स, इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रोंग है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये हो जाते हैं। इसके एग्जांपल हैं जो फाइबर्स हैं, फाइबर कौन से होते हैं, जैसे नाइलॉन 6,6 या टेरिलीन एटसेट्रा। थर्ड है थर्मोप्लास्टिक, अब थर्मोप्लास्टिक क्या है, ऐसे पॉलीमर हैं, ऐसे प्लास्टिक्स हैं जिनको बार बार आप मनचाह रूप दे सकते हो, विच कैन बी मोल्डेड इनटू डिजायर्ड शेप्स अगेन एंड अगेन, डिजायर्ड शेप्स में आप इनको बार बार बदल सकते हो, मोल्डेड अगेन एंड अगेन, वो होते हैं थर्मोप्लास्टिक। जैसे एग्जांपल पॉलीथीन, पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक है, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड ये थर्मोप्लास्टिक है, और लास्ट है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। थर्मो मीन्स क्या होता है, हीट या टेम्परेचर, तो इसके नाम से ही पता लग रहा है हमें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स किने कहेंगे। थर्मो का मतलब हीट या टेम्परेचर, सेटिंग का मतलब उसे सेट हो गया, यानी कि बिल्कुल सेट हो गया, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, यानी कि दे कैन नॉट बी मोल्डेड इनटू डिजायर्ड शेप्स, desired shapes again and again, ये एक बार ही आप इनको मनचाह रूप दे सकते हो, बार बार नहीं दे सकते। जैसे
तीन फेमस एग्जांपल्स हैं, याद रखने हैं, अभी आगे इनके फॉर्मूले भी आएंगे। एक है बेकेलाइट, एक है मेलेमाइन और एक है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। तो इनके एग्जांपल कौन से हैं? बेकेलाइट जो फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है, मोनोमर यूनिट्स हैं इसकी। दूसरा है मेलेमाइन, इसमें क्या है, मेलेमाइन और फॉर्मेल्डिहाइड इसकी मोनोमर यूनिट है। और यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, इसमें नाम दिखाई दे रहा है यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड, इसकी मोनोमर यूनिट्स होती हैं। तो ये एग्जांपल हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के। तो चार टाइप का क्लासिफिकेशन हमने पॉलीमर्स का पढ़ लिया है। पहले क्या था, बेसिस ऑन द सोर्स के ऊपर, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक। दूसरा था स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर, जो थे लीनियर, ब्रांच्ड, क्रॉस लिंक्ड। इसके बाद थी मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, टू टाइप्स थे, एडिशन एंड कंडेंसेशन। और लास्ट ये किसके बेस के ऊपर हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बेस के ऊपर चार हैं, इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। इसके बाद, इससे पहले कि हम टॉपिक में आगे बढ़ें, एक टेबल बना लेते हैं, यहीं पर समझ लेते हैं एडिशन पॉलीमर्स की और कंडेंसेशन पॉलीमर्स की। दो टेबल हमारे यहाँ बहुत काम की हैं, एक तो नेचुरल की, एक सिंथेटिक की। तो नेचुरल तो आसान है, वो आप खुद भी पढ़ सकते हो, जैसे कि स्टार्च है वो बीटा ग्लूकोज का पॉलीमर है। इस तरह से प्रोटीन्स हैं तो अमीनो एसिड्स के हैं पॉलीमर, फैट्स हैं तो वो लिपिड्स के हैं। तो सिंथेटिक की जो दो कैटेगरी हैं अपने पास, अब एडिशन और कंडेंसेशन।